सावन का महीना बहुत ही पावन महीना है और ये महीना पूजा पाठ के लिए भी अति उत्तम माना जाता है। इस महीने में की गई भगवान शिव की आराधना कभी खाली नहीं जाती है। लोगों को इसका फल अवश्य प्राप्त होता है, साथ ही साथ माता पार्वती का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सौभाग्यवती स्त्रियों को इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए और सज धज के रहना चाहिए। नए नए वस्त्र, चूड़ियाँ, मेहंदी आदि धारण करने चाहिए, जिनसे क्या होता है माता पार्वती भी प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियों को अधिक से अधिक इस महीने में लाल, पीले और हरे वस्त्रों का उपयोग करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हरी चूड़ियाँ ही पहननी चाहिए, क्योंकि हरी चूड़ियाँ सौभाग्य की निशानी होती है और खुशहाली का प्रतीक मानी जाती हैं। अगर ये चूड़ियाँ किसी स्त्री को उनकी सास के द्वारा, माता के द्वारा या पति के द्वारा प्राप्त होती हैं, तो ये बेहद ही शुभ होती हैं। आप उन चूड़ियों को ज़रूर पहन कर रखें और इससे उनका आशीर्वाद भी मिलता है और सौभाग्य में अत्यधिक वृद्धि होती है। मैं यही कामना करती हूँ कि आपकी चूड़ी और आपके परिवार की स्त्रियों की चूड़ी वहीं खनकती रहे और उनके सौभाग्य में लगातार वृद्धि होती रहे और परिवार में खुशहाली का माहौल बना रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं, और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। भगवान शिव और माता पार्वती आप सभी की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें।